नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो बीए सेमेस्टर 2 के उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका जी जनरल या कोर पेपर हिस्ट्री है। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आपके जी जनरल या कोर पेपर में पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं और वो सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। इसमें मैंने कुल 35 क्वेश्चन पे चर्चा की है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में निश्चित तौर पे पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से देखें और लास्ट तक देखें। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी पेपर्स के भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस आपको आसानी से मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी, अर्थात कि सुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था। इसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करके ही शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी गौतमीपुत्र सतकर्णी बिलोंग्ड टू, अर्थात कि गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित था। दोस्तों, गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है वह सातवाहन वंश से संबंधित था और यह सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। इसके बारे में ज़्यादातर जो जानकारी है वो नासिक के गुहा अभिलेख से मिलती है जो इसकी माता ने गौतमी बलश्री ने खुदवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकाल का संबंध किस राज्य से था। दोस्तों, करिकाल का जो संबंध है वह चोल राज्य से था। यहाँ पे थोड़ा सा एक और इसके बारे में जान लें कि चोल डायनेस्टी अर्थात कि जो चोल साम्राज्य था वो दो अलग अलग कालखंडों में अस्तित्व में आया था। पहला कालखंड जो है वो तीसरी चौथी शताब्दी में जो है वह करिकाल के संदर्भ में आया था। दूसरा 9वीं शताब्दी में अपने अस्तित्व में आया जिसका संस्थापक विजयालय था। तो यह संगम काल के दौरान अर्थात कि तीसरी चौथी शताब्दी के दौरान जो चोल वंश अस्तित्व में आया था उसका जो महान शासक था वह करिकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। यह गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासक था। इसी शासक ने शकों का उन्मूलन करके शकरादित्य की उपाधि भी धारण की थी। यहाँ पे एक चीज़ और जान लें कि इसी के चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में ही नवरत्न रहते थे, जिसको नवरत्न कहा जाता है। उसमें विद्वान थे और वैज्ञानिक थे, खगोलविद भी थे, जैसे कि वराहमिहिर, आर्यभट्ट, कालिदास इत्यादि इन्हीं के दरबार में उपस्थित रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को किस चालुक्य राजा ने हराया था। तो दोस्तों, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने जो है वह पराजित किया था और इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी वह नर्मदा नदी के आसपास 612 ईस्वी में लड़ी गई थी, जिसमें से हर्षवर्धन की जो है वह हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, अर्थात समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो दोस्तों, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वह हरिसेन था। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी थी, जो इलाहाबाद में अवस्थित था प्रयाग में। और इसे ये जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था ये अशोक के शिलालेख पे लिखा गया था, जिसे कौसाम्बी से उठाकर प्रयाग लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच रीजन मथुरा आर्ट वाज फ्लोराइज्ड, अर्थात कि किसे किसके शासनकाल में मथुरा कला का विकास हुआ था। तो दोस्तों, मथुरा कला का विकास जो है वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान सम्राट था। और एक चीज़ और यहाँ पर बता दें कि इसी के शासनकाल में कश्मीर में बौद्धों की चतुर्थ बौद्ध संगीति भी आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ मृच्छकटिकम, अर्थात कि मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है। दोस्तों, मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना और इसकी रचना थे शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द राइटर ऑफ अमरकोश, अर्थात कि अमरकोश के रचनाकार कौन है। दोस्तों, अमरकोश के रचनाकार अमर सिंह हैं। यह ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे और ये उनके नवरत्न में भी शामिल थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरकोश संस्कृत में लिखा गया एक कोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेन डिड द बैटल टेक प्लेस बिटवीन हर्षवर्धना एंड पुलकेशिन द्वितीय, अर्थात कि हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध कब हुआ था। इसकी चर्चा हमने पहले ही की थी कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है लगभग 612 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर जो है यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हर्षवर्धन की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक जो है वह श्री गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल का महान वैज्ञानिक कौन था। दोस्तों गुप्त काल का महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट था, जिसने आर्यभट्टीय नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखें कि आर्यभट्ट ही भारत के वो प्रथम महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ही खगोलविद थे जिसने सबसे पहले यह सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई। दोस्तों मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है वह 1206 ईस्वी में हुई थी, और इसी के मृत्यु के बाद जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। यहाँ पे थोड़ा सा ये जान लें कि मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, उसने जो है कई गुलामों को पाल रखा था, और उसके जो सबसे विश्वासी गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने जो है उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाते हुए भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों की राजधानी थी। दोस्तों चोलों की राजधानी जो है वो तंजावर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वह 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि तराइन का जो युद्ध हुआ था वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का दो मुख्य युद्ध हुआ 1191 और 1192 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, किंतु तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया और उसकी मृत्यु हो गई, और ये मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों चोल वंश का संस्थापक जो है वह विजयालय था, इसकी चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। दोस्तों भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वो अरबवासी थे। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि भारत में सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पर लगभग 712 ईस्वी में, और वही भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी या कहाँ आयोजित हुई थी। दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष जो थे वह अशुघोष थे। ये दोनों गुरु चेला थे। वसुमित्र अशुघोष के गुरु थे और अशुघोष वसुमित्र के चेला थे। यार चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों सुंग वंश का अंतिम शासक जो था वह देवभूति था, और इसी देवभूति को मार करके वसुदेव ने कन्नौ वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की नींव किसने डाली थी। दोस्तों सातवाहन वंश की नींव जो है सिमुक ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम का अर्थ होता है। दोस्तों संगम का अर्थ सभा होता है, यह विद्वानों की एक सभा होती थी तमिल क्षेत्र में। यहाँ पे हर साल जो है विद्वान अपने सारे उस क्षेत्र के जितने भी विद्वान होते थे वो एक सम्मेलन आयोजित करते थे, और वहाँ चर्चा परिचर्चा करते थे विभिन्न विषयों को लेकर के, उसी को संगम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का शासन प्रारंभ हुआ। दोस्तों गुप्त वंश का शासन जो है 275 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, और गुप्त वंश की स्थापना जो है श्री गुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा। दोस्तों अस्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि समुद्रगुप्त को ही जो है उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में हुआ था, और इसने 647 ईस्वी तक जो है शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामल्ल शैली का विकास किस वंश में हुआ। दोस्तों मामल्ल शैली मंदिर निर्माण की एक शैली थी जिसका विकास पल्लव शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था। दोस्तों महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर
1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर पर जो इसने आक्रमण किया था यह इसका 16वां आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामों में स्वायत्त शासन लागू किया था, कहने का मतलब यह है कि किस वंश ने ग्रामों में स्वायत्त शासन लागू किया था, तो वो थे चोल शासक। चोल शासकों ने अपने राज्य में जो है ग्रामों में स्वायत्त शासन लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी, दोस्तों मनुस्मृति की रचना जो है वह शुंग काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला और साहित्य में भारत का स्वर्ण युग कहा गया है, मतलब किसे कहा गया है, दोस्तों कला और साहित्य के रूप में भारत का स्वर्ण युग जो है वह गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनसांग भारत आया था, अर्थात किसके शासनकाल के दौरान वेनसांग भारत आया था, तो वेनसांग जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था, दोस्तों चालुक्य वंश का प्रथम शासक पुलकेशियन प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश से संबंधित थे, दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क किस वंश का शासक था, दोस्तों कनिष्क जो है वह कुषाण वंश का शासक था और यह कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इसी के शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था, दोस्तों पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा जो था वह नरसिंह वर्मन प्रथम था। इस तरीके से ये कुल 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में संभवतः जरूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग जो है बड़े ध्यान से एक दो बार और रिपीट कर लें और इसे अच्छे से याद कर लें। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।